पहुंच गया हूं बिल्कुल ट्रैक पे, मतलब पिट स्टॉप। ओ भाई, ओ भाई, एक है पोर्शे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद 911 है और दूसरी लैम्बो। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली, मैं एकदम बढ़िया हूँ, बहुत ही झकास और बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि अपनी कार खड़ी है पीछे और अपन चल रहे हैं रेस करने। तो मैंने एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करा दी है एंड अब लगेंगे गाड़ी के ऊपर स्टिकर्स और स्टिकर्स लगने के बाद में गाड़ी की होगी स्कूटनी, मतलब गाड़ी पूरी चेक होगी, चेक होने के बाद अपन चलेंगे सीधा रेस करने। तो भाई अब चलते हैं, पहले स्टिकरिंग करा लेते हैं। लग रही है ना गजब, ओए होए खतरनाक लग रही है और पूरी तैयार है इस टाइम पे। तो ये अपने हाथ में चाबी और लेट्स गो। फाइनली मैं रेस के लिए रजिस्टर कर लिया है और ये आ गया अपना रेस कार्ड, मतलब अपन चल सकते हैं सीधा गाड़ी को अंदर लेके रेस करने। पर उससे पहले गाड़ी का एक फाइनल इंस्पेक्शन होगा जिसे कहते हैं स्कूटनी। तो एक बार गाड़ी पे पहले स्टिकर्स देख लेता हूँ लग गए या नहीं लगे और फिर चलते हैं स्कूटनी के लिए। तो बिल्कुल हैपनिंग चल रहा है सब कुछ और सच बताऊँ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा मुझे, मैं इधर उधर भाग रहा हूँ और थक गया हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा रेस ट्रैक है। एक्चुअली BIC बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बहुत बड़ा है। ये देखो ये तो पार्किंग है इतनी बड़ी, ये देखो ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक है पार्किंग। तो वहाँ पे सारे राइडर्स खड़े हैं अपने, एक बार चलते हैं वो तो जाने की तैयारी में और उसके बाद अपन चलेंगे रेस करने कार को अंदर लेके और फिर देखते हैं क्या होता है, कितना अपन कॉम्पीट कर पाते हैं। हाँ जी हाइपर राइडर्स, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, फाइनली मुझे भी मिल गया ये। तो गाड़ी पे स्टिकर लग गए और मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में रेस के लिए, देखते हैं क्या रेस। अब सब लोग निकल रहे हैं, थक गए बहुत ज्यादा सर, बिग फैन। कोई पिटने वाला है आज। जब से मैंने व्लॉग चालू किया ना सबसे बिग फैन करके परेशान कर रहे हैं। तो अपने ग्रुप मेंबर्स अब सारे जा चुके हैं एंड फाइनली अब अपन चलते हैं अंदर स्कूटनी करा के रेस के लिए। तो ये रही अपनी टर्बो फॉर्च्यूनर एंड ये रही अपनी वायरस, तो रेडी टू रेस, ऑल स्टिकर्स विकर्स सब लग चुके हैं और यहाँ पे एक स्पेशल मस्टैंग जो एक्चुअली सचिन भैया चला रहे हैं। ओए होए, हाँ जी हेलो ब्रदर। तो भाई बिल्कुल रेडी है रेस के लिए और आज करने वाले हैं हम ड्राइव इसका एंड इसका दोनों का मिला के। तो देखते हैं कौन सी जीतते हैं वैसे, मतलब दिस इज 5 लीटर एंड V8, दिस इज ओनली 2 लीटर इनलाइन 4, बट देखते हैं क्या होता है, ट्रैक पे जाके पता लगेगा। फुल तैयारी शैयारी, फुल तैयारी। तो ये GoPro, मैं हूं तो GoPro। हां अरे मुझे स्लिप ऑफ टंग, अलग ही डेडिकेशन है इस लड़के की आज, इतना बिजी मैंने लाइफ में नहीं देखा। चलो भाई चलो जा रहे हो, यो चलो सर, सी यू ऑन द ट्रैक, ऑल द बेस्ट। ओके बाय बाय। ये आई अपनी वायरस चमचमाती हुई, ये आई फाइनली ऑन द ट्रैक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो मैं पहुंच गया हूं बिल्कुल ट्रैक पे, मतलब पिट स्टॉप पे आ गया और ये रहा पिट लेन, ये कंप्लीट पिट लेन है यहाँ से यहाँ तक। और ये गाड़ी मस्टैंग, वो गाड़ी अपनी BMW एंड बहुत सारी कार्स वहाँ पे, टूरिस्ट भी खड़ी हुई है और इधर यहाँ पे ये ऑटोमार्ट का अपना पिट बना हुआ है। तो पिट के अंदर काफ़ी सारी स्पेशल कार्स खड़ी हुई हैं, वो भी दिखाता हूँ अभी बस थोड़ी सी देर में और चलते हैं यहाँ से। अभी लाइनअप हो रहा है, लाइनअप में दो गाड़ियाँ लगेंगी, कौन सी गाड़ी किसके साथ लगेगी अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट देखते हैं अंदर जाके क्या होने वाला है। बट दिस इज सुपर 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 अमेजिंग गोइंग ऑन और इतना लाउड और इतना थॉटफुल हो रहा है, बस ड्राइव करना। खड़ी हुई है ना, गर्म हो गई है बहुत ज़्यादा इसके। तो ये रही और ये खड़ी भाई। फाइनली अपनी वायरस जा रही आगे। ओ यार दिस वन इज अ जेम, अमेजिंग। हाउ डू फील? मतलब फील इज अमेजिंग, बस बैठे बैठे कार में बोर हो गया हूँ बहुत देर से, ये बस मैं ऐसे ऐसे रेस दिए जा रहा हूँ फुर्सत में।
ये भैया कह रहे थे अभी ये वो टर्बो एक्सट्रीम वाला है, मैंने भी देखा है। यही बोल रहे थे ना? तो आपने देखा है? नहीं, मैं आज ही मिला हूँ। आज ही मिला हूँ। तो फाइनली मैं रेस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं जा रहा हूँ अब ट्रैक पे रेस करने के लिए। हेलमेट मैंने पहन ली है, साइड में एक और मेरी कार है और ऑक्टेविया है, तो ऑक्टेविया वैसे जीत सकती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ऑक्टेविया के जीतने के। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, बट देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बट फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस है रेस ट्रैक पे चलाने का, ये मेरा फर्स्ट रन है, देखते हैं आप अगले वाले रन्स में क्या होता है। फाइनली मैं निकल गया हूँ अब एक्चुअली मतलब लगाने के लिए पिट स्टॉप पे गाड़ी, सॉरी रेस ट्रैक पे गाड़ी। पिट स्टॉप से तो मैं निकला हूँ, तो ये पिट स्टॉप से निकल रहा हूँ मैं और रेस ट्रैक की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये निकला भाई और ये अपन आ गए अब एक्चुअल में खड़े होने के लिए। ग्रीन होगी, ऑरेंज ऑरेंज मजा आ गया। तो बिल्कुल खतरनाक और खतरनाक बिल्कुल एक नंबर। तो फाइनली पहले तो मैं निकल गया और उसके बाद मस्टैंग आगे निकली। मस्टैंग काफी तेज निकली, मतलब काफी तेज एकदम, बाद में जाके उसके अंदर जब हॉर्स पावर आए ना वो, मतलब तो एकदम बस निकल गई और खतरनाक वाली, मतलब बिल्कुल ही जबरदस्त वाली, और मजा आ गया ऑल एंड ऑल। तो ये आ गया अपन पिट स्टॉप पे वापस से, ये मजा आ गया यार, सीरियसली मजा आ गया, मतलब इट वाज फन। ओ तेरी, बट एक बार तो और बनता है, मतलब एक बार और बनता है, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, देखता हूँ भी कैसे हो सकता है। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि किस तरीके से होगा, बट करेंगे जरूर, एक बार ट्राई करते हैं। तो एक बार तो मैं आगे निकल गया। 2000 years later. तो पहले तो मतलब मैं एक बार आगे निकल गया क्योंकि मेरे को ट्रैक का थोड़ा सा आइडिया था, फिर एक्चुअल मस्टैंग के भाई जो पावर है वो तो आएगी बाहर, बट इट वाज अमेजिंग रन, मजा आ गया। एंड एक बार और करना बनता है, पर दोबारा से कार्ड बनवाना पड़ेगा, ये एक बड़ा अजीब सा सिस्टम है, बड़ा अजीब सा सिस्टम है यार, दोबारा कार्ड बनवाओ ये तो गलत बात है यार। मुझे ये जानना है कि जो गाड़ी आपके साथ थी, ठीक है, उसकी पावर इससे कितनी टाइम्स ज्यादा है? तो अगर सीसी की बात करें तो 2.5 टाइम्स, और बीएचपी की बात करें तो ऑलमोस्ट वो भी 2.5 टाइम्स। तो आपने बहुत अच्छी चलाई गाड़ी, अरे मतलब तो बहुत सही चलाई है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ी सी पीछे थी भाई। एक्चुअली क्या बाद में उसकी हॉर्स पावर बाहर आ गई ना सर, तो वो तो जाने ही दिया। बट अगर वो इतनी पावर है तो कभी भी मतलब अगर आप कुछ करोगे तो आप उड़ा दोगे हवा में शायद। चलानी नहीं है पर शरीर में बार बार बोल रहे चलाओ कह रहे हैं आपको लेके जाऊं ट्राई कराऊं। आप मुझे बोल रहे हैं चलते आपने जिस हिसाब से करा, देखो पहली चीज तो आपने बताया कि 2.5 लीटर का डिफरेंस है सीधा सीधा, 250% ठीक है। दूसरा बीएचपी वो एग्जैक्ट डबल है, डबल से भी ज्यादा है, वो भी 250%। अच्छा दूसरी चीज वो डीजल थी या पेट्रोल थी? वो पेट्रोल है, वो पेट्रोल है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, अपनी डीजल, वो पेट्रोल है अपनी डीजल है। तो इसके अलावा और आप क्या चाहते हो? अभी मैं बहुत कुछ और चाहता हूँ।
अपनी लाइफ से नहीं, अपनी लाइफ से तो बहुत कुछ ज्यादा। इस ट्रैक से और क्या चाहिए था आपको? इस ट्रैक से अभी मुझे ये चाहिए था कि मेरे साथ में जो लोग करना चाहते थे, जैसे सिविक विविक थी जो मेरे को चैलेंज कर रहे थे बाहर, मैं चाहता था उनके साथ, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब दो कारों का और ड्रैग होने वाला है, जो दोनों बहुत ही ज़बरदस्त है। एक है पोर्शे, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद 911 है, और दूसरी लैम्बो। तो देखते हैं यार, दोनों में तो मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, इंजन में भी फ़र्क होता है, पावर में भी फ़र्क होता है, पर नॉर्मली पोर्शेज आर मोर फास्टर देन लैम्बोज अगर अपन ड्रैग करते हैं तो, क्योंकि पोर्शे का गियर बॉक्स एंड इंजन, जो बॉक्सर इंजन होता है उसका, वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो एनीवेज देखते हैं अभी क्या परफॉर्म करने वाली है कौन सी गाड़ी, लेट्स सी। लैम्बो फैंस पोर्शे ही देगी भाई, वो बॉक्सर इंजन है, बहुत खतरनाक इंजन है, वो ना चलने देता किसी की। तो यहाँ पे BMW भी आई हुई है जो बहुत ही अच्छी ट्यून्ड है, एंड इंडिया लाउडेस्ट। ओह माय गॉड, चलो 450 BHP डीजल इंजन, वाओ यार। चलो देखते हैं क्या करती है ये फॉर्म। साइड में मेरे ख्याल से कौन सी कार खड़ी है, साथ में A45 A45 तो जीत जाएगी, CLA A45 तो जीत जाएगी, बट वो भी ट्यून्ड है, उसका भी अच्छा, उसका 12 सेकंड का आया था क्वार्टर माइल। ये आ गई, ओ भाई भाई कह सकते हैं डीजल वर्सेस पेट्रोल था, बट वो खा गई बिल्कुल उसको। तो मुझे दो और लैप का मिल गया है पास, और अब करेंगे दो लैप और दो बार और ट्रैक करते हैं, तो फटाफट चलते हैं यहाँ से, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और चलो बस। हाँ वो सिविक वाले मेरे साथ में, ये सिविक वाले पीछे, अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं कर सकते आप, नहीं कितना भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते आप कभी भी। तो देखते हैं। ये इन दोनों के बीच में होने वाली है रेस, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो भाई फाइनली अपन आ गए वापस से ट्रैक पे, और सिविक के साथ में। तो मेरे साइड में अभी एक सिविक जिससे अपनी रेस होने वाली है, एंड लेट्स सी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, और देखते हैं भाई। जैसे सर लाइट ग्रीन होगी थम्स अप के बाद आपको जाना है यहाँ से। ठीक है सर। ये अपनी वायरस और सिविक, भाई बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया। ओह मजा आ गया। तो मेरे पास एक लैप अभी और पड़ा है, वो वाला लैप कवर करते हैं, एंड फिर देखते हैं कि क्या होने वाला है। यो अपन जीत गए, तो अभी एक बार और लैप करना है, एक लैप बहुत अच्छा है, तो ये एक लैप और अब फिर से करते हैं एक बार। तो एक लास्ट रन और फिर चल रहे हैं अपन, बस अब एक लास्ट रन और करने, देखते हैं क्या होता है। सिविक वाले इस टाइम भैया और अच्छे से तैयार, वैसे काफ़ी मॉडिफाइड है और ट्यून्ड है, बट उनसे बात भी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, एंड फिर मिलेंगे एक बार करने के बाद। नहीं, क्लोज क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज।
था कंप्लीट अपना रन, और सीरियसली बताऊं तो मजा आ गया कैमरे पे कवर करते हुए चल के। फिर से जीत गए अपन, जीत गए। बट वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आगे था। स्टार्टिंग में इसलिए आगे था क्योंकि मेरा लॉन्च सही नहीं हुआ था। आपका लॉन्च सही नहीं था, बट स्टिल यू कवर्ड इट अप। यस, कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि सिविक जीत गई है। सिविक का लॉन्च अच्छा था, सेकंड लॉन्च उसने बहुत अच्छा लिया, अप्रिशिएटेबल। सेकंड लॉन्च बहुत अच्छा था, मेरा सेकंड लॉन्च बहुत ही बुरा था। बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे विनिंग इज विनिंग, विनिंग ही मानी जाती है कि रेस पे जीता कौन। तो दोनों बार अपनी गाड़ी जीती, बट इसमें कोई वो प्राउड, बहुत प्राउड वाली फीलिंग नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में जो उसका सिविक का BHP और टॉर्क है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली अपनी गाड़ी को। हाँ अभी करेंगे ना, बिकॉज फर्स्ट, यार मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम कार से ट्रैक किया है। ऐसा दिखता है कुछ रेस ट्रैक एंड दिस इज अ कंप्लीट इवेंट गोइंग ऑन। भाई अब एक काम करते हैं, चलते हैं घर पे, भी बहुत थक गए ऑनेस्टली बताऊँ। बट मैंने तीन ट्रैक किए, पहला मस्टैंग के साथ, दूसरा सिविक के साथ, तीसरा सिविक के साथ। मस्टैंग डेफिनेटली जीत गई, पर बाकी के दोनों अपन जीते। एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम लाइफ में किया है तो थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे थोड़ी और प्रिपरेशन के साथ में और प्रैक्टिस के साथ में, और अभी थोड़ी मैं प्रैक्टिस भी करूँगा कि लॉन्च कैसे करना है गाड़ी को प्रॉपरली। और यहाँ पे लैम्बो की जो आवाज़ आ रही है ना पीछे से, वो बहुत खतरनाक आ रही है। ये गाड़ी लैम्बो